नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी की क्रमशः वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसी चरण में आज हम लोग बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद की। डिटेल में एक एक बातें देखेंगे, इसके बाद हम लोग जुडिशरी सिस्टम को भी समझेंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग विधानसभा और विधान परिषद पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको, वो भी ऐसे कंटेंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो आपको मैं कम समय में मुहैया करा सकूँ, यही प्रयास रहता है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड जितने कंटेंट होंगे उन सबको समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है। तो सरल भाषा में इसको हमसे अगर समझना चाहें तो विधानमंडल को दो भागों में बांटा जाता है, एक कहलाता है विधानसभा और दूसरा क्या कहलाता है, विधान परिषद। याद रखिए विधान परिषद हर एक राज्य में हो ऐसा आवश्यक नहीं है, विधानसभा तो अवश्य ही होगी यदि वहाँ पर संवैधानिक रूप से चुनावी व्यवस्था है और सभाएं बन रही हैं तो वहाँ पर विधानसभा तो अवश्य ही होगी। तो विधानमंडल को दो भागों में वर्गीकृत करेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं ये किस आर्टिकल में किसकी परिचर्चा की गई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे साथ सब समझ में आएगा। यदि हम बात करें विधानमंडल की तो विधानमंडल का डिस्कशन हम लोग आर्टिकल 168 में करते हैं। किसमें करते हैं, 168 में। संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की बात कही गई है कि हर एक राज्य का क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। और अनुच्छेद 169 जो है ये विधान परिषद की बात करता है। मैंने पहले ही बता दिया कि विधान परिषद हर एक राज्य में होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। अभी आगे चल करके हम लोग विधान परिषद पर बखूबी चर्चा करेंगे। विधानसभा की बात करें तो 170 में इसका वर्णन मिलता है। याद रखिएगा विधानमंडल का वर्णन आपको आर्टिकल 168 में मिलता है, विधान परिषद का वर्णन आपको 169 में मिलता है, विधानसभा का वर्णन आपको 170 अनुच्छेद में मिलता है। चलिए एक एक करके विधानसभा को समझ लेते हैं, विधान परिषद को समझ लेते हैं। विधानसभा, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। जैसे आपने अभी देखा था संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा और लोकसभा, तो जो लोकसभा थी वो उसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, वैसे ही विधानसभा को राज्य में विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्य में विधानसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत इसके गठन की व्यवस्था की गई है। पहले ही बता चुका कि विधानसभा किस में है, अनुच्छेद 170 में है। याद रखिएगा विधानसभा राज्य का कैसा है, निम्न सदन है, उच्च सदन विधान परिषद को कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। योग्यता क्या है, तो योग्यता कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तभी आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं, अर्थात विधायक बन सकते हैं। सदस्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती हैं, मतलब सदस्यों की संख्या ये देखें विधानसभा की तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 60 और अधिकतम 500, न तो 500 से ज़्यादा होनी चाहिए और न तो 60 से कम। कुछ अपवाद हैं इसके जिसे हम लोग आगे देखेंगे। 60 से कम सीटें भी कई विधानसभा क्षेत्रों में हैं, लेकिन भारतीय संविधान जिस तरह की व्यवस्था करता है उसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए, 60 और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, 500 सीटें होनी चाहिए। चलिए अभी जो डिस्कशन में एक्सेप्शनल बातें हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। आइए ये देखिए कुछ अपवाद है जिसकी मैं परिचर्चा कर रहा था अभी आपसे। तो अपवाद क्या कहता है कि गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीटें हैं, और ये तीनों राज्यों की सीटें देख रहे हैं 60 से कम हैं, जबकि न्यूनतम सीटों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। तो ये तीन राज्य में थोड़े से अपवाद हैं, याद रखिएगा। गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में भी 40 सीट है, सिक्किम में कितनी सीटें हैं, तो 32 सीटें हैं, याद रखिएगा। वैसे नियमानुसार कम से कम 60 सीटें होना अनिवार्य है किसी भी विधानसभा में। आइए निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन बिल्कुल वैसा ही होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, जनता द्वारा निर्वाचन होता है। विधानसभा की अगर अध्यक्षता करने के लिए बात करें तो एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह अध्यक्ष ही तय करेगा। कोई राज्य का विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा, तो इसका निर्णय सदैव ही अध्यक्ष करता है। क्या करता है, अध्यक्ष। यही बात लोकसभा में भी लागू होती है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इसीलिए धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और राज्य का अगर विधेयक है तो वह धन विधेयक
हमेशा राज्यसभा सॉरी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का हम लोग क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। वैसे कोई भी धन विधेयक यदि राज्य का है और उसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, विधानसभा में रखा जा रहा है, तो राज्यपाल की अनुमति से रखा जाता है। किसकी अनुमति से रखा जाता है, राज्यपाल की अनुमति से रखा जाता है, यह बात भी ध्यान में रखेंगे। सरल भाषा में कहें तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अध्यक्ष तय करेगा। कहाँ का अध्यक्ष तय करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष तय करेगा। और कोई भी धन विधेयक रखने से पहले, प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति क्या होती है, अनुमति अनिवार्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्य का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। बच्चा ये केवल विधानसभा नहीं, ये किसी भी तरह की संवैधानिक बैठकें हों उन सब में 1/10 सदस्य का उपस्थित होना जरूरी है। इसी को हम लोग कोरम कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं। तो गणपूर्ति 1/10 होती है, 1/10 सदस्य यदि उपस्थित रहेंगे तभी किसी सदन की कार्यवाही को पूरा किया जाता है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक है। पहले भी देख चुके हो जब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा की परिचर्चा कर रहे थे तब। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि विधानसभा के अधिकार एवं कार्य क्या हैं। विधानसभा क्या कार्य करती है, विधि का निर्माण करती है, राज्य संगत विधि का निर्माण करेगी जो राज्य के लिए अनुकूल होगी। कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता करती है, कार्यपालिका पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो कानून के द्वारा भी नियंत्रण स्थापित हो सकता है। तो विधि का निर्माण करती है और कार्यपालिका पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। ये विधानसभा के क्या हैं बच्चों, कार्य हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। और तीसरी बात, संवैधानिक संशोधन। हाँ, इसके अधिकार क्षेत्र में राज्य विधायिका के जो क्षेत्र में चीज़ें आती हैं उनमें संवैधानिक संशोधन का अधिकार भी है। निर्वाचन संबंधी अधिकार तो है ही है। ये 4 कार्य क्षेत्र हैं विधानसभा के। सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ हैं अगर बात करें विधानसभा में, तो उत्तर प्रदेश में है, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सदस्य विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य में है, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, वैसे ही राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा के प्रति। वहाँ विधान परिषद भी लिखा रहता है, विधानसभा भी रहती है, पंचायत भी रहता है, ये सब रहता है, उसमें से सही जवाब क्या होगा, विधानसभा के प्रति। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अभी केंद्रीय विधायिका जब पढ़ी थी, जहाँ जिसमें हम लोग संसद पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। बिल्कुल राज्य स्तर पर विधान परिषद क्या होता है, विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इसकी स्थापना एवं समाप्ति की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। 170 में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद किस में है, 169 में है। किस में है, 169 में है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित करे, तो संसद राज्यपाल की अनुशंसा पर उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकता है। जरा समझने की बात है, किसी भी राज्य में विधान परिषद कैसे बनता है, तो यदि विधानसभा के जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें से 2/3 मतलब 2/3 बहुमत उसका जो हो, उससे अगर राज्यपाल से ये बात कही जाए कि हमारे प्रदेश में विधान परिषद की आवश्यकता है, तो राज्यपाल संसद में अनुशंसा करेगा, राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएगा, और संसदीय विधियों से क्या होगा, विधान परिषद की स्थापना किया जा सकता है। ये बात बताई गई कि किसी भी राज्य में किस प्रकार से विधान परिषद की स्थापना की जाती है। योग्यता विधान परिषद के लिए क्या है, याद रखिएगा बच्चों, विधानसभा के लिए तो योग्यता 30 वर्ष नहीं है, 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद के लिए योग्यता कितनी है, 30 वर्ष की है, याद रखिएगा। 25 वर्ष किसके लिए, विधानसभा के लिए है। सदस्य का कार्यकाल बिल्कुल राज्यसभा के पैटर्न पर चलता है, जैसे राज्यसभा में 6 वर्ष होता है, बिल्कुल वैसे ही सदस्यों का कार्यकाल विधान परिषद में भी कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा इस बात को एकदम अच्छे से। आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं अच्छे से। बिल्कुल वैसा ही है जैसे राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है कभी, वैसे विधान परिषद भी कभी भंग नहीं की जा सकती है, ना तो भंग होती है। क्यों, क्योंकि इसमें भी प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जैसे राज्यसभा सदस्य करते हैं, वैसे ही विधान परिषद सदस्यों का भी क्या भी क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं, इसलिए विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, याद रखिएगा। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या
उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/3 निकाल लीजिए, उससे अधिक कभी भी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होती है, और किसी भी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। एक बात याद रखिएगा, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और 40 से कम नहीं हो सकती है, ये बात याद रखिए। मान लीजिएगा कि किसी भी विधानसभा सीट में कुल 120 सीटें हैं, तो अब 120 का 1/3 निकाल लीजिएगा तो 40 सीट आएगा, तो वो 40 सीट से अधिक सीट नहीं हो सकती किसमें, विधान परिषद में, याद रखिएगा, क्योंकि 1/3 से ज़्यादा सीट नहीं हो सकती और न्यूनतम 40 से कम भी नहीं हो सकती, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दायरे हैं किसके, विधान परिषद के, ध्यान में रखेंगे इस बात को हम लोग अच्छे से। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग, निर्वाचन इनका कैसा होता है। निर्वाचन बिल्कुल वैसा है एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से, लेकिन हाँ, इनके निर्वाचन में भाग कौन लेता है जरा उसको अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा समझेंगे कैसे इनका निर्वाचन होता है, इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसीलिए पहले तो स्थानीय निकाय जो होते हैं, जो आपके लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें से 1/3 वोट जाता है कहाँ से, 1/3 सदस्य चुने जाते हैं स्थानीय निकायों से। और यहाँ पर ये कुछ नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा, राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा भी 1/3 चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं, 1/3 चुने जाते हैं। राज्यपाल मनोनीत कितने को करता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल। ध्यान से देखिएगा, स्थानीय निकाय 1/3, राज्य के विधानसभा के सदस्य भी 1/3 सदस्य ही चुनेंगे, और राज्यपाल मनोनीत कितनों को कर सकता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। फिर माध्यमिक स्तर या इसके ऊपर के शिक्षक, माध्यमिक स्तर या इसके ऊपर के शिक्षक जिनको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो अध्यापन का, 1/12 सदस्यों की सीट भरी जाती है इनके वोटिंग से। किसके वोटिंग से, शिक्षकों द्वारा, जिनके पास 3 वर्ष से अधिक का अनुभव हो, माध्यमिक स्तर या इसके ऊपर के, वो क्या हो, शिक्षक हो, ये सब भाग लेते हैं किसमें, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में। एकदम अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। आइए इस लास्ट स्लाइड को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। फिर 1/12 और सदस्य जो चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो स्नातकों द्वारा, जो ग्रेजुएट लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, कम से कम 3 साल का इनके पास भी अनुभव हो, और 1/12 सदस्य क्या होंगे, यहाँ से भी क्या होंगे, चुने जाएंगे, एक बात याद रखिएगा। तो ग्रेजुएट के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा से ऊपर के अध्यापक जिनके पास 3 वर्ष का अनुभव हो, लोकल बॉडीज और विधानसभा के सदस्य, ये सब मिल करके किसका चुनाव करते हैं, विधान परिषद सदस्यों का चुनाव करते हैं। विधान परिषद की बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्य का 1/10, मैंने पहले ही बता दिया, बैठक किसी भी प्रकार की हो गणपूर्ति आवश्यक है, गणपूर्ति मतलब 1/10 सदस्य का उपस्थित होना, याद रखिएगा इस बात को। तो ऐसे विधान परिषद में भी 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तो ही विधान परिषद की कोई भी कार्यवाही हो सकती है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से सभापति तथा उपसभापति का चयन करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे राज्यसभा अपने लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सॉरी, जैसे अपने लिए राज्यसभा के सभापति का चयन करती है, अर्थात उपराष्ट्रपति का चयन करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, कि वैसे ही विधान परिषद अपने सदस्यों में से सभापति तथा उपसभापति का चयन करती है। विधेयकों को पारित करने का काम है, ये तो आप जानते हैं, विधानसभा में यदि कोई विधेयक आता है तो वहाँ से पास होने के बाद उसे विधान परिषद में भेजा जाता है, यदि विधान परिषद में सहमति बनती है तो विधेयक आगे बढ़ा दिया जाता है राज्यपाल के पास, यदि ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत है, असुविधा है, तो इस पर हिंड्रेंस लगा सकता है, रोक लगा सकता है, कौन, विधान परिषद। विधान परिषद कितने दिन तक किसी विधेयक को रोक सकता है, तो एक बात देखिए जरा सा, कई मामलों में राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली प्रतीत होती है क्या हमारी विधान परिषद, जरा समझिएगा, विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सदस्यों की संख्या अगर देख लें, पहले तो देख लीजिए कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है, किन किन राज्यों में विधान परिषद है, तो याद रखिएगा ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद है। मैंने पहले ही बताया था कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कई राज्यों ने अनुमोदन किए भी हैं और कई लोगों ने अपनी विधान परिषद को रद्द करने का प्रस्ताव भी रखा है, जो कि आगामी समय में देखने को हेरफेर मिल सकता है विधान परिषद में। फिलहाल वर्तमान आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो 100 है, विधान परिषद सदस्य कितने हैं, 100 हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 58 विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं, यहाँ 58 सीटें हैं, 5 का निर्वाचन होता है, 8 को मनोनीत किया जाता है।
राज्यपाल द्वारा। बिहार का क्या है, बिहार में 75 सीटें हैं, कितनी हैं 75 हैं। कर्नाटक में भी कितनी सीटें हैं 75 हैं। कर्नाटक में भी कितनी सीटें हैं बच्चों, तो 75 हैं। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं 78 हैं। और तेलंगाना में कितनी सीटें हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर भी 40 सीटें हैं। ये 6 राज्य हैं जहाँ वर्तमान में क्या है, विधान परिषद है। नाम याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। सबसे ज़्यादा सीटें विधान परिषद की कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। विधान परिषद ही नहीं, विधानसभा की सर्वाधिक सीट भी पूछेगा तो 403, वो भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ही है। याद रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। तो ये तो था विधान परिषद और विधानसभा, मैंने डिटेल में आपके सामने रख दिया अनुच्छेद के साथ। एक एक बात पर मैंने क्या कर लिया, परिचर्चा कर ली है। आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिले और आप हमारे तमाम महत्वपूर्ण वीडियोज़ के साथ जुड़ सकें, अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।